शक्कर मापना या ग्लूकोज मॉनिटरिंग ये डायबिटीज में अनिवार्य भाग है। चाहे आपको टाइप 1 डायबिटीज हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी हो या सेकेंडरी डायबिटीज हो। और जब हम शुगर का मॉनिटरिंग या ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो 3 महीने की एवरेज शुगर, 3 महीने की एवरेज शुगर को हम ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जहाँ पे आरबीसी का जो रेड ब्लड पेशी होती है उसका जो लाइफ स्पैन होता है 120 दिन, उसकी एवरेज एक ग्लाइकोसिलेशन प्रोटीन के द्वारा की जाती है। और ये जो टेस्टिंग होता है ये नॉर्मली 7% के नीचे होगा तो कंट्रोल में डायबिटिक है ऐसे बताया जाता है, और 7% के ऊपर रहेगा तो कंट्रोल में नहीं ऐसा बता दिया जाता है। और ये जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है, ये जो वैल्यू आती है, इसकी जो प्रमुख वैल्यू है 50% रिफ्लेक्शन है लास्ट 1 मंथ की, और उसके बाद 25 रिफ्लेक्शन है 2 महीने पहले की, और फिर 10% रिफ्लेक्शन है 60 to 90 days पहले के रिफ्लेक्शन की, और 10% रिफ्लेक्शन है लास्ट 30 days के रिफ्लेक्शन की। सो ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है कि आपका 3 महीने का एवरेज क्या है, लास्ट महीने का एवरेज कितना है, ये अपने को ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन देता है। लेकिन डे टू डे शुगर जो मेजरमेंट आता है उसके लिए हमको काफी बार सेल्फ मॉनिटरिंग करना पड़ता है। सेल्फ मॉनिटरिंग यानी खुद जांच करनी पड़ती है ग्लूकोज मीटर के द्वारा, और वो ग्लूकोज मीटर कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज से टेस्ट करते हैं। कभी कभी नए अभी पैचेस आए हैं जिनको हम बोलते हैं कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, अलग अलग टाइप के पैचेस आते हैं, वहां पे हम 24/7 ग्लूकोज वेरिएशन पता कर सकते हैं, 5 दिन के ऊपर, 3 दिन के ऊपर, 14 दिन के ऊपर, बट ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो हम जब ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं तो उसमें दो भाग है, एक है 3 महीने के एवरेज ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, और दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं हम सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। और ये 3 महीने का जो एवरेज शुगर आता है ये काफी एक्यूरेट रहता है, लेकिन आपकी हीमोग्लोबिन की प्रतिशत 8 या 6% या कब होगी, आपने ट्रांसफ्यूजन लिया होगा, प्रेगनेंसी रही होगी, या सपोज हीमोलिटिसिस रहा होगा, हीमोग्लोबिन ओपथीज करके डिसऑर्डर आता है वो होगा, तो उसमें ये एक्यूरेट नहीं होता है। तो इसके लिए उसकी भी आपको एक्यूरेटी ये करनी पड़ेगी। कई दवाइयां हैं जैसे एस्पिरिन है, लेप्रसी की डैप्सोन दवाई है, एंटी एचआईवी दवाई है, एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन है, ये सपोज हम कोई आप पेशेंट ले रहे हैं तो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू होती है वो एक्यूरेट नहीं होती है। तो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की जांच होती है वो अलग अलग टाइप के टेस्ट से होती है। कोई टेस्ट केमिकल होती है जिसमें क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है, कोई टेस्ट इम्यून एसे पे तैयार हो जाती है, और कोई कोई टेस्ट एंजाइम इम्यून एसे पे तैयार होती है। तो एंजाइम एस्टिमेशन हो, इम्यून एस्टिमेशन हो, या इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, वो तीनों मेथड से अपने को एक्यूरेट रीडिंग मिल जाता है। और ग्लाइकोसाइड हीमोग्लोबिन की टेस्ट करना बहुत अनिवार्य है, 6.5% के नीचे होगा तो कंट्रोल में है, और 7 पॉइंट के ऊपर होगा तो कंट्रोल में नहीं है। इसका जस्ट मॉनिटरिंग और कॉम्प्लिकेशन प्रिडिक्शन के लिए ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का फायदा नहीं है, उसके बियॉन्ड डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज के लिए भी उसका फायदा है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी, प्रिडिक्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये सब एक्यूरेसी करनी A1C में जरूरी है। तो डायग्नोसिस हो, प्रोग्नोसिस हो, या उसकी डे टू डे बिहेवियर में डायबिटीज का कितना प्रतिशत में कंट्रोल हो, ये सबकी एवरेज हमको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन से पता चलता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट है सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज या कंटिन्यूस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के साथ। तो हर डायबिटिक, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, जेस्टेशनल डायबिटिक हो या सेकेंडरी डायबिटिक हो, उसको A1C यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना बहुत अनिवार्य है। थैंक यू।